हम कर रहा वर्कबुक से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस कोड के बारे में जानेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि वर्कबुक्स डॉट ऐड, ऐड हो गया, फाइल ऐड हो गया। देखिए ऐड करने के साथ यहाँ देख रहे हैं कि टैम्पलेट भी है। क्या है? टैम्पलेट। देखा, अब टैम्पलेट कौन सा टैम्पलेट? जैसे कि आप न्यू करते हैं तो यहां बहुत सारे टैम्पलेट होते हैं जी क्या? जी जैसे यहां जी पे ब्लू शीट दिख रहा है हमें ना, ब्लू शीट। भले से तो अगर हम इसे मान लीजिए कि टैप यहां पे हम टैम्पलेट में 1 दे देते हैं तो क्या रन होगा? तो क्या रन किया इसने, क्या दिया इसने? कुछ दिया तो नहीं, बट शीट 1 का आ गया। मैंने पहली बार देखा सर। दिख गया सर? ऐसे जनरली आप यहां पे देखिए, अगर जनरली मैं करता हूं ऐड तो क्या होता है सर? तब सिंपल सा एक फाइल खुलती है जिसका नाम Book 4 है, उसमें 3 शीट्स है, राइट? है ना सर? जी लेकिन मैं स्पेस कर देता हूं 1, तो क्या होगा? एक ब्लैंक शीट खुल के आ जाए और उसका फाइल का नाम होगा Sheet 2। ठीक है, अब चलिए ये काम करता हूं, मैं 2 कर देता हूं इसको, तब क्या होता है? तब इसका नाम Chart 1 हुआ, एक ब्लैंक चार्ट खुल के आ गया, राइट? तो आप एक नई फाइल विथ चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता आपको सर? ये जो राइट क्लिक करके हम लोग करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक, यहां चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर? हाँ सर, जी, अगर मैं 3 करूंगा तो इसको ओपन करेगा, 4 करूंगा तो इसको मैक्रो वाला करेगा। फाइल। अच्छा अब मान लीजिए मैं करता हूं 5, क्या करता हूं? ए 4 5 6 करता हूं, यहां करता हूं 6, तब क्या ऐड होगा? देखिए कुछ ऐड नहीं हुआ, सीट में सीट 5 ऐड कर दिया 6 करने में, 6 को नहीं लिया रिकनाइज किया इसमें। सिक्स को सिक्स को रिकनाइज रिकनाइज किया है किया आपका, आपका लेकिन जी, वो बैलेंस शीट जगह जो सर फॉर्मेट यहाँ है पे वो ब्लैंक ब्लैंक होगा, शीट इसलिए वो हुआ आपका आपका वैसे रह सर। गया। नाम तो आप बैलेंस कुछ शीट और होना उसमें चाहिए ना इसको। नहीं हो रहा है, दो ही होता है, दो तीन ही होता है। अच्छा हम 3 करते हैं, फ्री तो Micro 1 खुल के आ गया। मैक्रो खुल गया। इसके अंदर Micro 1 के अंदर चलिए देखते हैं क्या क्या कोडिंग है, कुछ कोडिंग है नहीं है नहीं, कोई कोडिंग नहीं, जस्ट फाइल खुला है। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसमें इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट में नाम वगैरह है राइट, तो हम बैलेंस शीट लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा, तब क्या होगा? क्या सर? इंसर्ट कर रहे हैं और जो बैलेंस शीट खुल के आ रहा है, ये आ रहा है ना बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पे ये आना चाहिए, तो बैलेंस आप मैनुअली लिख देते हैं। देखिए ये चीज क्यों कर रहे हैं ना, इसलिए हम कभी ट्राई किए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ा टेम्पलेट की सर, लेकिन सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ कर ले ट्राई। और पहले ये वाला बंद कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन हुआ कि बैलेंस शीट खुला या मैक्रो खुला। नहीं टेम्पलेट में यहां नंबर ही है, ये नहीं है सर। एक चीज इसलिए बता रहा हूं सर कि किसी ने मुझसे पूछा है था, ठीक है ना, कि सर टेम्पलेट कैसे होता है, तो मैंने देखा। अच्छा हाँ, पर जब मैं इसका पढ़ रहा था तो हम इसका यूज किए थे,
तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग कुछ आइडिया कैसे करेंगे, कभी देखा आपने इसमें? इसलिए बोला था कुछ कुछ ट्राई करके देखने। ओके पर इसमें समझ गया, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कुछ बोल रहा है। हाँ देख, जो एक्सेल का टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट सिस्टम जो है, इसे बैक कीजिए। यहाँ देखिए, ये जो हुआ ना आपका ऐड हुआ, ऐड में जो टेम्पलेट है दिख रहा है सर, टेम्पलेट जो कि ऑप्शनल है, और ये टेम्पलेट में ये बता रहा है कि इतने तरह के टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हैं बस। ठीक है, बस इतना ही। तो जो नंबर डाल रहे थे ना, उसी का नंबर आ रहा था, ये है ना 4 3 जो है, उसी का नंबर आ रहा। चलिए इसको इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं, जब हम वर्कबुक कोई सेव करते हैं, मान लीजिए हमने वर्कबुक को सेव किया। अब सेव करने की भी प्रॉब्लम, आपने क्या कि आपने यहाँ पे डाल दिया कि ई ड्राइव में जाइए और 2022 में जाइए 123.xls कर और डाल दिया ऐड हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम सेव एज करते हैं किसी फाइल को, तो उसका यहाँ पे मुझे डालना होता है उसका फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट, जैसे वर्कबुक हमने डाला, इसमें मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैं बुक वन को सेव एक्सेल, बुक वन डॉट XLSM है मान लीजिए, उसको मुझे सेव एज करना है। क्या करना है? सेव एज। और सेव एज में अगर आपने ये डाल दिया तो चलेगा, एक्सेलस डायरेक्ट चल जाएगा, बट अब मुझे XLSM में करना है, तो फिर एक कोड आपको एरर देगा, तब यहाँ पे आपको जो है फाइल फॉर्मेट देना होगा। जी हाँ, क्या देना होगा? फाइल फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? फाइल फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? देखिए, एक्सेल के ऊपर अगर हेल्प सपोर्ट चाहिए आपको, तो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपका माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर का एक खुल के आएगा। आया, इसमें आपको दिख रहा है VBA, एक्सेल VBA रेफरेंस। इस पे जाइए और इस पे जाने के बाद इसके मॉडल ऑब्जेक्ट पे जाइए। तो जो हम डॉट दवा दवा के जो चीजें आती हैं, जो जो ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड उसके सब ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी चल रहा हूँ वर्कबुक पे, तो ये रहा वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, इवेंट और मेथड दिख रहा है आपको, ये रहा इवेंट, ये रहा मेथड, ये रहा प्रॉपर्टीज। तो जो डॉट डालते हो लिस्ट आता है, वो सारे लिस्ट है। अब इसमें आप जो एक्सेल में जानते हैं ना, उसी को देखिए। अब जो एक्सेल में नहीं जानते हैं, वो मत भी। अब ऑल एक्सेप्ट चेंज जानते हैं क्या होता है? पता है किसी को? एक्सेल में, नॉट ए बीबीए, एक्सेल की बात कर रहा हूं। नहीं हाँ, नहीं तो सर, ये फाइल पे चलिए फाइल चलिए, ओवरराइट करते हैं। ये होता है जब आप किसी फाइल को करते हैं शेयर। शेयर तो समझते हैं ना, हाँ शेयर। जी सर, तो जब किसी फाइल को करते हैं शेयर, तो शेयर करते समय आपने दो लोग एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, तो दोनों एक ही फाइल पे दो लोग काम कर रहे हैं, तो एक ने चेंज किया, तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वही होता है, ऑल एक्सेप्ट में ट्रू कर दिया तो चेंज कर देगा, नहीं किया तो नहीं किया। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें आप वही देखें जो आपको आता है, जो आप एक्सेल पे आता है। जैसे कि हम सेव एज की बात की, अब सेव एज में आप देखिए यहाँ पे आता है फाइल फॉर्मेट। ये होते हैं आपके फाइल फॉर्मेट। जैसे मुझे सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसका कोड होगा ये रहा,
दिख रहा है? आप ये लिख दीजिए, तो टेम्पलेट है, माफ कीजिएगा, एक्सेल ओपन माइक्रो वर्कबुक माइक्रो अनेबल, इसका कोड 52 है। तो मैं यहाँ पे 52 नंबर डाल दूं या फिर मैं डालूं यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्क, समझे? जैसे मान लीजिए मैं एक्टिव वर्कबुक को ही सेव करता, ठीक है? मैं इसको यहां से, अगर एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ, एरर देगा। सेव हो गया, कोई एरर नहीं है? नहीं है सर। या फिर इसके नहीं जगह पे मैं 52 डालता हूँ और मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ। आप करता हूँ, सॉरी यार, 2 दे जी, दिया, टू टू है दे सर, दिया। 52 कर दिया। हो गया, ठीक है सर। तो जी ये जो हुआ आपको याद रखना हो, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये जो लंबा सा याद ना रखे, इसका जो नंबर है वो नंबर याद। तो जनरली हम लोग माइक्रो अनेबल वर्क में या टेम्पलेट में या फिर नॉर्मल एक्सेल में सेव करते हैं, यही ना सर? तो नॉर्मल एक्सेल की तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी सही है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आता है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ये आता है रीड राइट पासवर्ड, हमने रीड राइट पासवर्ड डाल दिया। रीड ओनली रिकमेंड करना, अब यहाँ पे रीड ओनली रिकमेंडेड में ट्रू या फॉल्स आएगा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि ट्रू एंड फॉल्स आएगा कैसे पता चलेगा? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। सॉरी सर, ट्रू फॉल्स कैसे होगा, कैसे पता चला? देखिए, इसके लिए आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप एक्सेल में सेव एज करते हैं और सेव एज करते समय आप यहाँ जनरल ऑप्शन पे जाकर पासवर्ड डालते हैं ना, ये क्या है, चेकबॉक्स है? तो जिस ऑप्शन, चाहे सेव एज ही नहीं, किसी भी ऑप्शन पे जहाँ चेकबॉक्स है, मतलब एक ही से अप्लाई हो रहा है और एक ही से डिस अप्लाई हो रहा है, उस केस में हमेशा VBA ट्रू एंड फॉल्स लेता है। क्लियर है, समझे सर? हाँ क्लियर है। हाँ सर, ऐसे ही मैं कुछ वर्कबुक ओपन करता हूँ कि वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा फाइल जो है वो फाइल पड़ा हुआ है मेरे FTP पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ऑनलाइन होता है उस पे पड़ा हुआ है, क्या मैं उससे फाइल ओपन कर सकता? देखिए, अगर आपके पास कोई वेब लिंक है, जैसे वन ड्राइव का वेब लिंक होता है ना, या गूगल ड्राइव का वेब लिंक होता है, वहां से हाँ फाइल ओपन नहीं हाँ कर सकते। आपको उसको सेट करना होगा अपने सिस्टम में, से मैंने गूगल ड्राइव को सेट कर दिया, राइट? अब यहाँ से मैं फाइल ओपन कर सकता हूँ। हालांकि ये फाइल इंटरनेट पे पड़ा है, लेकिन सिस्टम ने उसको डाउनलोड करके यहाँ डाला। लेकिन नेटवर्क ड्राइव है तो आपको अपने नेटवर्क ड्राइव को मैप करना होगा। क्या करना होगा? मैप करना, करना। ठीक है? यहाँ पे ऐड ए नेटवर्क लोकेशन दिखा ना आपने, नेक्स्ट कीजिए, चूज नेक्स्ट करना है चूज कीजिए, या फिर अपना पाथ है तो पाथ दीजिए, ठीक है ना? ब्राउज करके चूज कीजिए या अपना पाथ दीजिए और पासवर्ड से डाल के सेट करके ड्राइव बना लीजिए, तब आप ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी यूआरएल से आप फाइल ओपन नहीं कर सकते, राइट? तो आप जहां से ओपन करना चाहते हैं उसका फाइल नेम यहाँ पे आप दे दीजिए, जो भी फाइल है। उसके बाद यहाँ अपडेट लें। अब अपडेट लें क्या होता है सर, पता है? वो हाइपरलिंक का बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर वेब लिंक जो देना पड़ेगा। नहीं, नहीं। और किसी को पता है? देखिए क्या होता नहीं है, कई पापा, बार आप वीलुकअप लगाते हैं ना, तो कई बार तो फाइल के अंदर एक सीट से दूसरे सीट में लगाते हैं, कई बार एक फाइल से दूसरे फाइल पर लगाते हैं। तो आपका एक फाइल से दूसरे फाइल पर लगा है, जब तक वो फाइल लोकेशन में पड़ा है तब तक आपका प्रॉब्लम नहीं होता।
जैसे ही आपने जो डेटा फाइल जिससे लगाया था उसको रिनेम कर दीजिए, मूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जब भी फाइल खोलिएगा अपडेट लिंक का एक पॉपअप देगा, क्योंकि उस एक्सेल फाइल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला का जो लोकेशन है वो लोकेशन सीट एग्जिस्ट नहीं करता, समझे? राइट तो उस केस में अगर आपको अपडेट लिंक करना है, तो अगर लिंक अगर मान लीजिए ब्रेक है तो उसको अपडेट कर देगा, लेकिन लोकेशन में फिर पॉपअप देगा लोकेशन करने का, तो इसको अगर नहीं करना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर आता है रीड ओनली, क्या फाइल को रीड ओनली ओपन करना है, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, करना है तो ट्रू होता भाई फॉल्स। फॉर्मेट, तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में ओपन करना है, पासवर्ड डालिए, रीड ओनली पासवर्ड डालिए, इग्नोर कीजिए रीड ओनली रिकमेंडेड, ठीक है ना? तो बाकी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीजें डाल सकते हैं। कॉमा कॉमा करके जाके जैसे फॉर्मूला में हम डालते हैं ना, ऐसे यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम कॉमा कॉमा करके ही डालें। एक चीज और हम कर सकते हैं, यहां आपको लिखना होगा फाइल एज, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना फाइल एज ए स्ट्रिंग, तो फाइल एज स्ट्रिंग, नहीं, ये फाइल नेम यहाँ नहीं होता, माफ कीजिएगा, ये यहाँ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम आता है, फाइल नेम, फाइल नेम इक्वल, यहाँ पे कॉलन एंड इक्वल टू, कई बार नेम इक्वल का में आप सही स्पेलिंग, हाँ नहीं नेम का लिखते स्पेलिंग हैं, ठीक करना पड़ेगा है नेम में। इसलिए तो एफ बड़ा नहीं हुआ, अब एफ बड़ा हो गया, ठीक है? इस तरह से भी डाल सकते हैं, अरे इसके बारे में हम आगे बताएंगे, फिलहाल इसको कीजिए इग्नोर, ठीक है? तो डाउट इज सर, तो करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, अभी क्या है सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने बताया था हेल्प एंड सपोर्ट में जाके निकालने वाला, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप ओपन करेंगे ये आएगा इस तरह का, फिर जाना है आपको वीवीए रेफरेंस में, और फिर जाना है आपको ऑब्जेक्ट मॉडल में, और यहाँ से आपको वर्कबुक सेलेक्ट करना है, इसमें दो मिलेंगे वर्कबुक्स और वर्कबुक, वर्कबुक बुक्स मतलब फाइल ओपन करना ऐड करना, ये वर्कबुक्स के अंदर आता है, और बाकी जो पर्टिकुलर फाइल पे जो काम आता है वो वर्कबुक पे आता है, ठीक है ना? दो, तो एक कोड में वर्कबुक्स ही लिखाता है, वर्कबुक नहीं लिखाता है, तो एक्टिव वर्कबुक लिखाता है, बाकी जगहों पे वर्कबुक्स ही लिखाता है, बट यहाँ कोड को अलग अलग सेग्रेट कर दिया, तो आपको इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसके मेथड को, प्रॉपर्टी को मत देखिएगा, मेथड को देखना है, राइट सर? क्या है वो भी मेथड में जो आप समझते रहे कि एक्सेल में क्या होता है, उसी जैसे प्रिंट आउट पता है, प्रिंट भी पता है, प्रोटेक्ट पता है, प्रोटेक्ट शेयरिंग अगर पता है तो इसका यूज कीजिए, रिफ्रेश पता है तो यूज कीजिए, उसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, सेव है, सेव है, सेव कॉपी है, सेंड मेल, जो चीजें पता है वो चीजें इसका आप यूज कीजिए, तो इसको आप यूज नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना है, उसके अंदर एग्जाम्पल कोड मिलेगा, जैसे प्रोटेक्ट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अब इसमें इसमें इसका एग्जाम्पल कोड नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगर ट्राई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल कोड नहीं है तो अदरवाइज छोड़ दीजिए, इसके अंदर एग्जाम्पल कोड होगा उस कोड को कॉपी करके उसको करने की कोशिश कीजिए, हालांकि आपको इसके ऊपर और डिटेल क्लास में आगे क्लासेस में दूंगा, लेकिन फिलहाल जितना आपको जानना चाहिए था उतना मैंने आपको समझा दिया।